किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा रादौर में आयोजित पंचायत में हरियाणा में भागियों के नाम पर चल रही किसान यूनियनों को फर्जी बताने के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने टिकैत के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी यूनियन हरियाणा में 2004 से रजिस्टर्ड है, जबकि टिकैत की यूनियन उसके बाद रजिस्टर्ड हुई। कुछ लोग यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के नाम पे एक फर्जी संगठन बना के और चुनाव लड़ने की बात करते हैं। वे हमारे संगठन से ही नहीं और ना उनको कोई ये राइट है कि भारतीय किसान यूनियन कोई चुनाव लड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय किसान यूनियन, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल थी और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगी। तो जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी जो हमारे ऊपर राकेश टिकैत ने और युद्धवीर जी ने कहा है कि इनकी यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी यूनियन 2004 में बनी थी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के नाम से। टिकैत को इस नाम से रजिस्टर्ड नहीं करानी चाहिए थी, किसी और नाम से रजिस्टर्ड करानी चाहिए थी। उसकी रजिस्ट्रेशन 2004 के बाद की है। जहां तक राजनीतिक रहने का सवाल है, उन्होंने कहा है कि ये राजनीति करते हैं भारतीय किसान यूनियन के नाम से। मैं आपको याद दिला देना चाहूं कि राकेश टिकैत जी ने दो बार चुनाव लड़ा है, एक बार MLA का चुनाव लड़ा, एक बार MP का चुनाव लड़ा। MP के चुनाव में उसको 8000 वोट मिले थे। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक संस्था, राजनीतिक एक विंग बनाया हुआ है, उसका नाम है बहुजन किसान दल। जहां तक उन्होंने एक सवाल उठाया कि उन्होंने अपने स्टेज पे केजरीवाल को बुलाया था, मैं याद दिला देना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जी ने अपने स्टेज पे जो राजनाथ सिंह है उनको बुलाया था, स्टैचू लगाने के बहाने बुलाया था। और अब जो 2 अक्टूबर का जो आंदोलन दिल्ली के अंदर था, जिसमें रात को ये वापिस आई, उस दिन भी उससे राजनाथ सिंह से तालमेल करके आए और स्टेज के ऊपर इन्होंने बोला है कि राजनाथ सिंह की लिहाज करनी पड़ेगी। युद्धवीर जी भी उस आंदोलन को दबाना चाह रहे थे जबकि लोग आंदोलन लड़ने के लिए तैयार थे। अब देखना होगा कि किसान नेताओं के बीच शुरू हुई इस जुबानी जंग पर कब तक रोक लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर।